नमस्कार, मैं अनिरुद्ध मुखर्जी बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मेरा क्या है, बाबा का जो गुरु परंपरा है, बाबा का परिवार वाले हैं, उनसे ही मेरा ज्यादातर लगा मुझे रहा। और बाबा का जो बाकी डिसाइपल्स है, मैं उन लोगों से उतना संपर्क नहीं कर पाया। बाबा के डिसाइपल्स, फिर उनका जो परंपरा चला हुआ है, उनसे मैं ज्यादा संपर्क नहीं कर पाया। पर मेरा हमेशा रुचि रहता है कि जहां पे भी बाबा विशुद्धानंद जी का ठप्पा होवे, उधर हमको एक बार तो जाकर नमस्ते करना है। और वो पूरा चीज के लिए मेरा पूर्ण सहानुभूति और सिंपति, एक जुड़ाव रहता है। तो अभी तक बाबा विशुद्धानंद जी का दो डिसाइपल्स मुझे वो पता लगा, और उनका आश्रम भी है, और उनसे जाके मैं फिर जुड़ा, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, तो हमको अभी वही बारे में शेयर करेंगे। एक तो है नित्यानंद परमहंस जी और दूसरा है सत्यानंद ब्रह्मचारी जी। और सत्यानंद ब्रह्मचारी जी का जो जिगर है, वो पूरी आश्रम के लेकर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसका आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। आज का जो वीडियो है वो नित्यानंद परमहंस जी के बारे में है, उनका जो लिनियज है, और उनका फिर बाकी लोगों ने उनसे मेरे से संपर्क किया, और मुझे वो लगा कि नहीं, कम से कम ये चीज लोगों के पास पहुंचे, ये चीज जो जाके फिर आगे का काम तो वो तो मालिक जाने। तो नित्यानंद परमहंस जी थे, उनके बारे में मुझे उतना तो कुछ पता नहीं है। बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल थे, उनका जो डिसाइपल था देवेंद्रनाथ बसु करके, उन्होंने रानाघाट में आश्रम प्रतिष्ठित किया। वो आश्रम देवेंद्रनाथ बसु ने किया या नित्यानंद परमहंस जी ने किया, वो मुझे ठीक से वो डिटेल्स नहीं मिला। पर वो आश्रम में जाते थे, एक डिवोटी है, उनका नाम है सुकुमार बोसर, उन्होंने मुझे फोन में संपर्क किया और इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ सुना था, फिर बाकी डिटेल्स उन्होंने जो कुछ भी बताया वही चीज मैं दोहराऊंगा। मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, उनका बात ही मैं आपको दोहराऊंगा, मेरा इसमें कोई अलग से रिसर्च वर्क कुछ नहीं है, ठीक है। तो दूसरों का क्रेडिट तो लेना नहीं है भाई, उनका नाम करना चाहिए। उनका नाम है सुकुमार बसक जी, ठीक है। तो वो नवद्वीप के रहने वाले हैं, तो वो आश्रम से वो जुड़े हुए, तो उन्होंने मुझे गुजारिश किया कि आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, आप मेरी बात उनको पहुंचाओ, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। देखो जी, बसु देवेंद्रनाथ जो थे, देवेंद्रनाथ बसु, वो भी अभी एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने वो आश्रम किया रानाघाट में। रानाघाट आप कैसे जाएंगे, हावड़ा सियालदा एक ही पड़ता है, कलकत्ता में जो है, कलकत्ता में काफी सारा स्टेशन है, हावड़ा है, सियालदा है, शालीमार है, और भी कुछ हो सकता है। तो सियालदा रूट से अगर आप जाओगे तो फिर आपको कृष्णनगर, सांसा, रानाघाट, शांतिपुर, वो सब पूरा वो रूट का ट्रेन आपको मिलेगा, ठीक है। तो रानाघाट स्टेशन उधर ही पड़ता है, सियालदा से करीब करीब 2 घंटा का आपका ट्रेन का सफर आप पकड़ लीजिए, और रानाघाट में उतर के आपको जाना है प्रामाणिक सिनेमा हॉल, प्रामाणिक सिनेमा हॉल उधर आपको जाना है। उधर जाके चूड़नी नदी है, चूड़नी नाम का एक रिवर है, तो वो रिवर के तरफ से आप अगर पैरेलली आप बढ़ते हो तो उधर वो आश्रम है, आश्रम का नाम है आनंदलोक मिशन, आनंदलोक मिशन ये आश्रम का नाम है। और देवेंद्रनाथ बसु जी था, वो पूरा वो चीज का पूरा इनिशिएटिव लिया। और ये मैंने सुना है कि उधर भृगुराम परमहंस जी भी कभी आए हैं, उनका जो पदो रेणु, पाव का जो धील धूला है, वो उधर संरक्षित है। अभी ये सच है गलत है क्या है वो मुझे पता नहीं है, जितना इन्फॉर्मेशन है वो मैं पेश कर रहा हूँ। क्यों पेश करूँ, क्योंकि उधर बाबा विशुद्धानंद जी का ठप्पा है, तो भाई जय गुरु, और क्या कह सकते, तो यही काफी है। तो उधर आनंदलक मिशन है, तो उधर बसु देवेंद्रनाथ जी अपने आश्रम प्रतिष्ठित किया वो, तो अभी बसु देवेंद्रनाथ तो अभी नहीं रहा, तो आश्रम अभी बंद पड़ा है, ठीक है। आश्रम बाबा का ये प्रॉब्लम क्या है, जितना भी आश्रम है उधर मैनेजमेंट तो मुझे लगता है कुछ खामियां है, चलो उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे, अच्छा बात भी है बुरी बात भी है। तो आनंदलोक मिशन का भी कुछ अच्छा हालत नहीं है, आश्रम बंद ही रहता है, हर वक्त बंद ही रहता है, शायद कोई केयर टेकर है जो आके कभी खुलता है, पता नहीं। और बाकी जो उधर एक ही उत्सव होता है शिवरात्रि के दौरान, वो आश्रम पूरा खुला रहता है, और आश्रम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उधर वो आते हैं, दिन भर रहते हैं। तो अगर आपको कभी लगे नहीं बाबा गुरु परंपरा का, बाबा का गुरु परंपरा का ये भी एक स्थान है, हमको उधर जाना चाहिए, और रानाघाट और कृष्णनगर के अगल बगल वाले भी आप उधर जाए, उधर रुकिए,
और कुछ एक अगर उसमें अगर आप कुछ गठनमूलक अगर कुछ करते हैं तो मेरा और बाकी का भी उसमें फिर वो सपोर्ट रहेगा। मैं तो हर वक्त उसमें सपोर्ट नहीं डाल सकता, पर हर साल में एक दो बार अगर हो पाए तो मैं जाके फिर उसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूशन है तो चलो, झाड़ू पोछा भी मारना होता तो वो भी कर लेंगे, तो उसमें कुछ मना ही नहीं है। ठीक है, तो आश्रम वही बंद थोड़ा सा पड़ा रहता है। ठीक है, और वो आश्रम के उधर वसुदेवनाथ एक्सपायर हो गए और बाकी नित्यानंद परमहंस जी का और दो चार डिसाइपल ही है, उन्होंने 3 डिसाइपल किए, ओनली 3 डिसाइपल्स नित्यानंद परमहंस हैज मेड, वसुदेवनाथ हैज एक्सपायर और दो कोई आदमी है और दो ही कोई सन्यासी थे, और वसुदेवनाथ का कोई डिसाइपल होगा तो उसमें कोई बुजुर्ग आदमी है, काफी वो लोग सीनियर सिटीजन है ऐसा करके, तो वो स्थान का जो अवस्था है खूब ठीक नहीं है। तो यही चीज कहना वो था जो मुझे पता नहीं है आपको कितना वो फायदेमंद लगा, कुछ लगा, बाबा का स्थान है और बाबा का स्थान का बात मुझे कहना है तो इस हिसाब से इसको कहा। ठीक है, आप सब अच्छे रहिए, और क्या कह सकते, इस वीडियो में इतना ही है। हाँ जी, नमस्ते।